हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिजाइनदार आस्तीन और बेल्टदार प्लॉट सेवा बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले वीडियो आपके पास रखें, देखिए कि अब हम गला सिल लेंगे। मेरा गला भी कट गया, वो इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से काटने के बाद हम इसको ऐसे पलट लेंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। Thank you.
देखिए हमारा पीछे का ब्लाउज कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी डालेंगे। अब इसको एक साइड रख देंगे और आगे का पल्ला जोड़ेंगे। हमारा बेल्ट बाहर रखेंगे ब्लाउज। ये देखिए हम आगे का पल्ला उसी तरीके से जोड़ लेंगे। इसमें हम पहले कच्ची बखिया करेंगे। इसमें प्लेट डालेंगे। अब हम ये बेल्ट वाली पट्टी जोड़ लेंगे। इस पट्टी को हम इसी पे रखने से कैसे करेंगे। देखिए अब हम इसके ऊपर से मशीन चलाएंगे। फिर हम एक मशीन इसी के ऊपर चलाएंगे। देखिए हमारा पल्ला तैयार हो गया। दूसरा भी पल्ला देखिए तैयार है।
और पीछे वाले में अपन जॉइंट करेंगे। इसमें हम इसको रखेंगे ऐसे, अब हम इधर बटन पट्टी और उधर काज पट्टी लगाएंगे। अब हम ये बटन पट्टी इसमें लगाएंगे इस तरीके से। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हम इधर काज पट्टी लगाएंगे। हम इसको पूरा पलट देंगे इस तरीके से। अब हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। देखिए पाइपिंग पट्टी इस तरीके से जुड़ेगी इसकी की तरफ। पट्टी अच्छे से जुड़ जाएगी। ये देखिए ले।
इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से तट बना आगे की तरफ भी वैसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम साइड में लगाएंगे। देखिए हमारी पैकिंग बन गई है। अब हम इसी तरीके से इधर भी साइड में लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से हम इधर भी रखते हैं। देखिए हम उसी तरीके से इधर भी पैकिंग बना रहे हैं। अब हम इसको जोड़ लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग लेंगे। ब्लाउज की फिटिंग कितनी है जिस हिसाब से हमको फिटिंग करना। हमने फिटिंग नाप ली है, हमारी फिटिंग बराबर है। अब हम चार्क नापेंगे। चार्क हमारे हैं 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच की पट्टी इसमें भी रखेंगे। देखिए अब हम इसी जगह से मोटी सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इसमें हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम इधर भी मान लेंगे सिलाई। फिर हम इधर को पकड़ के इधर भी नाप लेंगे, जितना उधर है उतना ही इधर भी नाप लेंगे। देखिए इधर भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
हमारा ब्लाउज तो कंप्लीट हो गया, अब हमारी अस्तरी मशीन है, अब हम अस्तरी अस्तरी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने अस्तरी की डिज़ाइन काट के रखी है, अब हम इसको इस पर रख के सिलाई करेंगे। देखिए हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसी पर सिल देंगे। ब्लाउज पर रखकर सिलाई करेंगे। देखिए अब हम पहले सिलाई कर लेंगे अस्तीन की। अब हम उसको इस तरीके से पलट देंगे। पहले हम एक कच्ची सिलाई एक सिलाई सिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से इस पर सिलाई मारेंगे, चारों तरफ सिलाई मारेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद वही डिजाइन हम इस पर रख के सिलाई करेंगे। पहले तो हम नीचे पास में निशान लगा लेंगे। इधर हम कट लगा लेंगे। अब हम इस डिजाइन को इस पर रखेंगे, रखने के बाद इस पर सिलाई मार लेंगे। उसके बाद हम इस डिजाइन पे Thank you.
मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको कटिंग कर देंगे। देखिए हमने इसको कट कर लिया, हम इसे इस तरीके से कट लगा देंगे। देखिए हमने कट कर लिया है, कट करने के बाद हम इसको इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारी डिजाइन बन गई, हम इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हमारे अच्छी डिजाइन बन गई, अब हम इसमें मोती लगा देंगे। देखिए हम इसमें मोती लगा देंगे इस तरीके से। अब तुम कौन जाना नहीं।
देखिए पूरा हम इसी तरीके से हम इसमें भी मोती लगा देंगे। लेकिन जो पहला महीना चला है वहाँ 18,000 है गल्ला, दूसरा महीना जो चला है वहाँ 7,000 है, जो तीसरा चल रहा है 500,000 है। 300 रुपये देखिए हमारे मोती लग गए, दूसरे भी हस्ते हमारे। इसी तरह लगा लेंगे उसमें भी। देखिए हम आस्तीन नाप लेंगे, यहाँ से हमारे आस्तीन 5 इंच है। और यहाँ आस्तीन इसमें से पहले नाप लेंगे कितने हैं। इस तरीके से हम नाप लेंगे, हमारी है 7 इंच। हम 7 इंच के इस पे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है। देखिए हम इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अब हम आस्तीन लगाएंगे इसमें। यहाँ का कोना ऐसे और इसमें का कोना इस तरीके से हम लगाएंगे गोल आस्तीन। देखिए मेरी आस्तीन इस तरीके से लग के तैयार हो गई। देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारे ब्लाउज की डिजाइन कितनी प्यारी लग रही है। देखिए बेल्ट आके लगा हुआ है। अगर आप लोगों को हमारे सिलाई करने का तरीका समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।